हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं समा के चावल की खीर या सामक चावल की खीर। इसे व्रत में खाया जाता है और आप व्रत के बिना भी खा सकते हो। ये बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। समा या सामक के चावल की खीर बनाने के लिए जो व्रत में यूज किए जाते हैं ये चावल, उसकी खीर बनाने के लिए चाहिए हमें 1/2 लीटर दूध, 1/2 कप समा के चावल या सामक के चावल, 1/2 कप चीनी। चीनी आप टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी किशमिश जिसे हमने धो के साफ कर लिया है, थोड़े से बादाम जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ी सी नारियल जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, और थोड़ी सी इलायची। अब हम दूध को लो से मीडियम फ्लेम में गर्म करने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा दूध गर्म होता है तब तक हम समा के चावल को या सामक के चावल को अच्छे से धो लेते हैं। ये हमारा दूध अच्छे से गर्म हो गया है और ये हमने चावल अच्छे से धो लिए। अब इसमें डाल देते हैं और इसे हम लो फ्लेम में पकाते हैं जिससे कि धीरे धीरे अच्छे से पक जाए। हम इसे अच्छे से चला लेंगे धीरे धीरे जिससे कि ये लगे ना नीचे। हमारे समा के चावल पक गए हैं। आप इसे थोड़ा सा चावल लेके और ऐसे देख लीजिए एक बार, ये अच्छे से उंगली में मैश हो रहा है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने 1/2 कप चीनी डाली है, आप चीनी कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़ी सी किशमिश, बादाम के टुकड़े और ये ग्रेट किया हुआ नारियल। नारियल से अच्छा टेस्ट आ जाता है। हम इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। अभी हमारी खीर बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब हम इसे थोड़े से बादाम, ड्राई फ्रूट कुछ भी हो उसे गार्निश कर लेते हैं। आप इसे घर पर बना के देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।